दोस्तों ये ओप्पो का मोबाइल है, ये गिरा था तो ये ऑन नहीं होता, ठीक है, पावर ऑन नहीं हो रहा ये मोबाइल। तो जब इसे चार्ज लगाए ना, ये देखें चार्ज लगाते हैं तो ऊपर आ जाता है बैटरी एरर दे देता है ऊपर। ये देखें चार्ज लगाया, अभी ये वाइब्रेट हुआ है, बाद में ऊपर ये देखें ऐसा साइन देगा, बाद में ऊपर आ जाएगा बैटरी एरर। ये देखिए ये बैटरी एरर ऊपर आ गया। ये देखें बैटरी एरर का ऑप्शन ऊपर आ जाता है ये जब चार्ज लगाते हैं। तो वैसे ये मोबाइल ऑन नहीं होता, ये मोबाइल गिरा था कस्टमर कह रहा था, ठीक है। तो अभी हम इसे चेक करेंगे क्या मसला है, ओपन करके मोबाइल को इसकी बैक कवर उतारेंगे पहले। अच्छा जी, तो ये देखें हमने बैक इसकी उतार ली है, अभी हम चेक करते हैं कि क्या मसला है ये बैटरी के जो ऊपर लगी हुई है शीट, इसके हम ये नट उतार के चेक करते हैं क्या मसला है, कहीं बैटरी को तो नहीं इशू। बाद का तो ये बैटरी का भी इशू होता है, बैटरी ख़राब होती है, लेकिन ये देखें ना इसकी बैटरी की जो स्ट्रिप है ना ये लूज़ है, मतलब ये ना गिरा है शायद, तो इसकी वजह से ये उतर गई हुई है स्ट्रिप ना ये वाली, ये देखें ये इसी की वजह से मेरे ख्याल से ये एरर भी इसीलिए आ रहा था क्योंकि बैटरी इसके साथ सही कनेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि स्ट्रिप उतर गई हुई थी। अभी हम इसे ना दोबारा एडजस्ट करके चेक करते हैं जी। तो ये देखें बैटरी हमने ना इसकी लगा दी है, अभी ऑन किया तो ये सेट वाइब्रेट हुआ है, तो ये ऑन भी अब हो गया हुआ है, ओप्पो का ऑप्शन आ गया ऊपर। तो ये बैटरी ना ये इसे हम गम के साथ ना फिक्स कर देंगे ये बैटरी को, ये सिर्फ बैटरी की स्ट्रिप उतरी थी इसलिए ये एरर आ रहा था। वैसे भी अगर ये एरर आए तो ये बैटरी का इशू होता है, हम बैटरी रिप्लेस करके ये मसला ठीक हो जाता है, हम बैटरी रिप्लेस करें ना, क्योंकि अक्सर इस तरह का कोई मसला है तो हम बैटरी रिप्लेस करते हैं तो वो मसला ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी बैटरी ठीक है मेरे ख्याल से, ये ना बैटरी की स्ट्रिप लूज थी इसलिए ये एरर आया हुआ था। तो अभी हम इसे गम लगा के फिट करते हैं, दोबारा फिर हम चार्ज लगा के भी चेक करते हैं कि हमारा मसला ठीक हुआ है कि नहीं। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखें बैटरी हमने फिट कर ली है, ये बैक इसके साथ पैक करके ये सारा, अभी हम दोबारा इसे चार्ज लगाएंगे फिट करके सारा और चेक करेंगे कि हमारा मसला ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो जब हम लगाते थे चार्जर तो ऊपर आता था बैटरी एरर दे देता था, बैटरी का इशू आ रहा था। अभी हम दोबारा चार्ज लगा के चेक करते हैं इसे कि हमारा मसला ठीक हुआ है कि नहीं हुआ।
जी दोस्तों ये देखें चार्जिंग हमने लगाई है, ये ऊपर चार्जिंग का लोगो है तो आ गया हुआ है, ठीक है। अभी चार्जिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा मसला ठीक है जी। तो दोस्तों ये देखें ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई, अभी हमारा मसला ठीक हो गया है। अगर आपका ये सेम हो तो आप इस तरह करें, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।